नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। करोड़ों का सफाई ठेका होने के बावजूद नगर निगम की सफाई व्यवस्था बदहाल। सफाई ठेके में इस वर्ष भी हुई बढ़ोतरी। नए नियम और शर्तों के साथ करना होगा कार्य। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जन अधिकार रैली में शामिल होने पहुंची रायपुर। मीडिया से बात करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ के लोगों को उनके अधिकारों से रखा जा रहा वंचित। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने दादा। उनकी बहू ने भिलाई के निजी अस्पताल में स्वस्थ बच्चे को दिया जन्म। सीएम ने पोते को गोद में लेकर दुलार करते हुए कहा, क्या हाल है हीरो। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दादा बन गए हैं, उनको पोता हुआ है। उनकी बहू ख्याति ने मंगलवार सुबह 10 बजे भिलाई के निजी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। मुख्यमंत्री बघेल की बहू ख्याति को भिलाई के एक निजी अस्पताल बीएम शाह में सोमवार को भर्ती कराया गया था, जहाँ सभी टेस्ट और जाँच नॉर्मल आने के बाद मंगलवार सुबह 10 बजे उन्होंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। माँ बेटी को डॉक्टर नम्रता की निगरानी में रखा गया है। पत्नी के साथ अस्पताल पहुँचे सीएम भूपेश बघेल ने पोते को गोद में लेकर दुलार किया और कहा, क्या हालचाल है जी हीरो। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मंगलवार को जन अधिकार महारैली में शामिल होने राजधानी रायपुर पहुंची। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि यहां के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। आरक्षण के मामले में लोगों तक सही बात पहुँचाना हमारा कर्तव्य बन गया है। रैली के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाई जाएगी। कुमारी शैलजा ने आगे कहा कि आरक्षण विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था, लेकिन इस पर अड़चनें पैदा की जा रही है। आरक्षण के मामले में लोगों तक सही बात पहुंचाना हमारा कर्तव्य बन गया है। संवैधानिक रूप से भी हमारे जो निर्वाचित विधानसभा है उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। यहाँ के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में लोगों में बहुत प्रतिक्रिया है और इस बात को लेकर आज छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। आरक्षण के मामले में लोगों तक सही बात पहुंचाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। आज एक रैली के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि आरक्षण का जो मामला है, जो विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए, आज उसे कानून बनाने में कैसे अड़चनें पैदा की जा रही। जब सर्वसम्मति से कोई विधेयक पारित किया जाए तो उसके बाद उस पर ऐसी अड़चनें पैदा करना यहाँ के लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आज हम इस रैली में इन सब बातों को रखेंगे। उसके अलावा आज राजीव भवन में हम हमारे जो प्रकोष्ठ हैं उनके अध्यक्षों से भी बातचीत करेंगे। विधायक दल की बैठक होगी और हमारे एमएलए साहिबान से भी बातचीत की जाएगी। दुर्ग के गवर्नमेंट स्कूल के प्राचार्य की हिटलरी फरमान से परेशान छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की, साथ ही ज्ञापन सौंपा
और बेहतर हल निकाले जाने की मांग की। दुर्ग के हिंदी भवन के सामने स्थित गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल की छात्र छात्राएं स्कूल की प्राचार्य के खिलाफ लामबंद होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने प्राचार्य की हिटलरी के फरमान की दास्तान सुनाकर दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंप डाला। इस दौरान उपस्थित बच्चों के बीच पहुंचकर शहर विधायक अरुण वोरा व जिला अधिवक्ता संघ की अध्यक्षा नीता जैन ने भी छात्र छात्राओं का साथ देते हुए प्राचार्य के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी। गवर्नमेंट स्कूल में जो स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम का स्कूल प्रारंभ किया गया है, वहाँ के प्राचार्य के संदर्भ में 12वीं क्लास के बच्चों ने आकर ज्ञापन दिया है जिलाधीश महोदय का, और उसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि जो व्यवहार उनको प्राचार्य से मिलना चाहिए बच्चों को, वो व्यवहार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। हमने सुना है बच्चों को और बच्चों की पूरी मदद करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी से भी कह दिया है और कलेक्टर को भी वो ज्ञापन देके गए हैं, वो भी पूरी कार्रवाई को सजग करेंगे। अभी आत्मानंद स्कूल से बच्चे आए हैं और उनकी काफ़ी गंभीर समस्या है। उनकी समस्या को देख कर तो मुझे ऐसा लगा कि कितने ज़्यादा परेशानी में ये लोग सहन कर रहे हैं। वहाँ की प्रिंसिपल संजीता मैडम है जो लगातार बच्चों को प्रताड़ित कर रही है, इवन अपने जो टीचर पढ़ाते हैं उनके खिलाफ इनसे लिखवाती है और बच्चों को टॉयलेट तक के जाने के लिए छुट्टी नहीं देती। ये तो बहुत ही दर्दनाक कृत्य है जिसके लिए उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और हम मैंने अभी जिला शिक्षा अधिकारी से भी चर्चा की, उन्होंने कहा कि तत्काल एक्शन लिया जाएगा और यदि एक्शन नहीं लिया जाता है तो हम आंदोलन करेंगे। जी सर, पहली शिकायत तो ये है सर कि हमारे स्कूल में अभी हमारी प्रिंसिपल मैम जो गत वर्ष 2 दिसंबर 2021 को ही हमारे स्कूल पे आई थी सर, कुछ दिनों बाद प्रिंसिपल मैम ने बहुत सारे नियम बनाए जिसका हम सभी विद्यार्थी ने और सभी शिक्षकगण ने बहुत अच्छे से नियम का पालन किया सर। लेकिन अभी कुछ दिनों से प्रिंसिपल मैम जी और बहुत सारे नियम बना रही है और सरकार के नियम के विरुद्ध वो स्कूल का टाइम जो है वो 10 बजे की थी। अगर बच्चे 10-15 तक भी स्कूल आते, क्योंकि स्कूल का टाइम सर 10:30 दिया गया था, लेकिन अगर बच्चे 10-15 तक भी स्कूल आते हैं तो उनको लेट कमर्स कहकर उनको सर 1-1 घंटे तक पनिश करते हैं और उनको घर भी भेज दिया जाता है। और अगर हम लड़कियों की परेशानी की बात करें तो सर उन दिनों जैसे कि हम लड़कियों को अगर पीरियड आता है तो सर स्कूल में पैड की भी सुविधा नहीं है, और अगर हम टीचर को ये चीज़ के लिए जाते हैं सर मांगने के लिए तो हमको पैड भी वहाँ से नहीं मिलता और प्रिंसिपल मैम के द्वारा हमको छुट्टी भी नहीं मिलता सर। तो हम लड़कियों को कहीं ना कहीं सर शारीरिक पीड़ा के साथ साथ एक मानसिक पीड़ा का भी सामना करना पड़ रहा है सर। और अभी कुछ दिनों से प्रिंसिपल मैम जो है वो भी स्कूल में जो भी चीज़ चल रहा है सर उसके कारण प्रिंसिपल मैम हम बच्चों को बंद कमरे में टीचर के खिलाफ एक्शन लिखवाती है कि टीचर के बारे में ऐसा लिखो वैसा ही लिखो करके, और उस आवेदन के खिलाफ फिर अपने हमारे टीचर को हमारे सामने ही सर लज्जित करती है। हम सभी बच्चे यही चाहते हैं कि सर हमारे स्कूल में हमारे टीचर भी सर मानसिक रूप से कहीं ना कहीं इस तनाव पे हैं और हम बच्चे भी, और सर हम बच्चे लोग सब बोर्ड वाले हैं, 2 महीने बाद हम लोग का बोर्ड का परीक्षा भी आने वाले सर, और अगर स्कूल का सर ऐसा माहौल रहा तो हम बच्चे लोग कहीं भी सभी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाएंगे सर। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो यहाँ पर जो खड़े सर जितने भी अधिकारी हैं उन लोग का सर जितना भी जो भी जवाब रहेगा सर जो भी निर्णय रहेगा वो हम सब बच्चों के लिए अच्छा होगा सर, लाभदायक होगा। तो अगर मैम लोग सर जो भी निर्णय लेते हैं सर वो हमारे लिए सही साबित होगा सर, सर कैसा भी निर्णय ले सर वो हमको मंजूर है सर। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम के सफाई ठेके में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की बढ़ोतरी के बावजूद सफाई व्यवस्था का हाल बदहाल है। पूरे शहर में जगह जगह फैला कचरा, अघोषित ट्रेचिंग ग्राउंड, निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और ठेका कंपनी की कार्य प्रणाली की पोल खोल रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का खर्च साल दर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। बीते साल से इस बार शहर की सफाई का खर्च 8,11,00,000 रुपए बढ़ गया है, लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था में कोई बदलाव नजर नहीं आता है। सफाई की स्थिति लगातार बस से बदतर होती चली जा रही है। नगर निगम के सभी वार्डों में फैली गंदगी सफाई व्यवस्था की पोल खोल रही है। नालियों के जाम होने के साथ ही घरों से नियमित कचरा एकत्र करने सफाई कर्मचारी भी नहीं पहुंच रहे हैं। कॉलोनियों के बीच से गुजरती सड़क के किनारों को अघोषित ट्रेचिंग ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया है। सफाई कार्य में पैसा बढ़ाए जाने के बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं होना नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली की पोल खोलता नजर आता है। नगर निगम प्रशासन फिर से सफाई का नया ठेका देने की तैयारी कर रहा है। इस बार नियम व शर्तों में बदलाव भी किए गए हैं। देखने वाली बात होगी कि नए ठेकेदार से शहर की सफाई व्यवस्था में कितना सुधार हो पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से समस्त भिलाई वासियों को, समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, समस्त भारत वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। आपका नव वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ मैं संस्थापक श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन अरुण कुमार श्रीवास्तव आप सभी को नव वर्ष की बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। नव वर्ष 2023 में आने वाला है, हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ, सब लोग भाईचारे के साथ मिल करके इस नव वर्ष का स्वागत करें और जाने वाले वर्ष को बधाई दें और सभी के जीवन में सुख समृद्धि समृद्धि शांति और वैभव की प्राप्ति हो, सबके परिवारों में सुख आए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और भिलाई क्षेत्र के लिए विशेष तौर से यहाँ पर जनता हर मामले में त्रस्त है, भिलाई नगर निगम में मूलभूत जो सुविधाएँ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और जो कर्णधार लोग हैं उनसे भी निवेदन है कि जनता को उनकी आवश्यकता के अनुसार मूलभूत सुविधाओं का तुरंत को पहुँचाने का काम करें और जनता के अंदर जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हों और जनता खुशहाली से 2023 का वर्ष मनाए, यही प्रार्थना है ईश्वर से और ईश्वर सबको धन धान्य से परिपूर्ण करे। नए साल 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ पुराने साल को सौप्रेम नमस्कार और पुराने साल जैसे तैसे सब कुछ अच्छा रहा। नए साल में हम उद्योग की तरफ से समस्त प्रदेशवासी को बधाई देना चाहता हूँ कि पुराने साल में उद्योग व्यापार विकसित जो हुआ है उससे और ज़्यादा विकसित हो, फले और फूले। और जहाँ तक कांग्रेस का है, 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ जिसमें चातुर्दिक विकास हुआ, विकास के साथ जो मुख्यमंत्री और कांग्रेस ने संकल्प लिया था वो सारे संकल्प 36 में से लगभग 34 को पूरा किए। इसके लिए कांग्रेस के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, जो मुख्यमंत्री सहित सारे कार्यकर्ता को मैं इस उपलक्ष्य के लिए शुभकामना देता हूँ। व्यापार के साथ साथ उद्योग, उद्योग के साथ साथ राजनीति, ये तीनों अपने आप में एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसको हम आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे लिए कार्य किए हुए हैं वो कार्य के लिए उनको बधाई देता हूँ। और कुछ कार्य लंबित है, अभी 48 घंटा बाकी है, उसमें भी कुछ कार्य होने की संभावना है, यदि छूट गया तो नए साल में उपहार के तौर पर अवश्य मिलेगा। मैं पुनः समस्त प्रदेशवासी को धन्यवाद के साथ बधाई देना चाहता हूँ। आप नए साल को एक अच्छे रूप में मनावे, किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे और आगे बढ़ने के लिए भी तैयार रहे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। मैं संजय तिवारी, चेयरमैन SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग। मेरी ओर से, SR परिवार की ओर से आप सभी दुर्ग जिले वासियों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को, देशवासियों को नूतन वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर नव वर्ष 2023 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। हेल्थ इज वेल्थ। अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने इष्ट मित्र जो हैं उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। पुनः बारम्बार आप सभी को नूतन वर्ष 2023 की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं।
हमारा संदेश देश और प्रदेशवासियों के लिए है कि अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत बधाई सभी प्रदेश देशवासियों को, और इसी के साथ यह कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी वैश्विक बीमारी जो थी, जिसको हम लोग भूल चुके हैं, जिसका नाम था कोरोना, वह पुनः दस्तक दे रही है, जिससे हम सभी लोगों को मिलजुल कर और उसी भाव से जो पहले हम लोगों ने मिलजुल कर लड़ाई लड़ी थी, लड़कर इस वैश्विक बीमारी को पर विजय पाना है। इसी के साथ अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर भकंदर हाइड्रोसिल गुप्त रोग चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा ना होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता, डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। इंदौर मध्य प्रदेश में 24 साल से चल रहे सोफा निर्माण अब आपके शहर दुर्ग में भी उपलब्ध है। जी हां, सूरत इंडस्ट्रीज सोफा निर्माता कंपनी में अनुभवी कुशल कारीगरों के द्वारा हाई क्वालिटी के सोफे निर्मित किए जाते हैं। महाराजा सोफा, सिंगल सोफा, वुडन सोफा, पफ सोफा, आकर्षक मनपसंद कलर के साथ, साथ ही आपके पसंद अनुसार डिजाइन किया हुआ सोफा सेट वारंटी के साथ बेहद ही किफायती दरों पर उपलब्ध है। सूरत इंडस्ट्रीज में निर्मित सोफे आपको बेहद लुभाएंगे। हमारा पता, सूरत इंडस्ट्रीज सोफा निर्माता, 31 आकाश नगर, सरकारी राशन दुकान के पास, सिकोला भाटा, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9425242403, 9109201513। तो अवश्य पधारें सूरत इंडस्ट्रीज सोफा निर्माता कंपनी। बीएससी और जीएनएम कोर्सेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए एक खुशखबरी। जी हां, अब नेहरूनगर मॉडल टाउन सड़क 1 में संचालित ब्लेजिंग एकेडमी में प्रवेश लेकर संवारिए अपने भविष्य को। एकेडमिक कोर्सेज की पढ़ाई को समझने में मददगार ब्लेजिंग एकेडमी में अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा आधुनिक उपकरणों पर प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है। साथ ही स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, सिलेबस के साथ साथ छात्रों के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो बता दें, एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी की पहल से ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए फ्री डेमो क्लासेस भी। तो आज ही संपर्क करें ब्लेजिंग एकेडमी मॉडल टाउन सड़क नंबर 1, संचालक आशीष विजय गावंडे, मोबाइल नंबर 7805964347, 7587140097 और 9425557416। तो संपर्क करें ब्लेजिंग एकेडमी। भारत तथा भौतिकी दोनों भ से ही शुरू होते हैं और दोनों में ही असीम संभावनाएं भी हैं। और भौतिकी का प्रशिक्षण देने हेतु भिलाई सेक्टर 10 जोरल मार्केट में संचालित रूबी फिजिक्स लंबे समय से प्रयासरत है। जी हां, रूबी फिजिक्स ने अनेकों विद्यार्थियों को प्रशिक्षण फिजिक्स का देते हुए उन्हें लक्ष्य तक पहुँचाया है। रूबी फिजिक्स जोनल मार्केट सेक्टर 10 में संचालित है। एडमिशन ओपन रूबी फिजिक्स। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नगर पालिका परिषद कुम्हारी क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 4 में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बनाए गए
68 गुमटियों में से 28 गुमटियों पर अवैध रूप से कब्जा कर रह रहे लोगों पर नगर पालिका परिषद द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अंतर्गत दुकानों का निर्माण किया गया था, जिसमें अवैध कब्जा द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसको 3 नोटिस दिया गया था, बार बार समझा इसके बाद भी नहीं खाली कर रहे थे, अतः आज कार्यपालिक दंडाधिकारी एवं पुलिस बल के उपस्थिति में खाली कराया जा रहा है। जो भी आवंटन की जो विधिवत प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पुनः प्रकाशन किया जाएगा, उसके पश्चात जो उसके पात्र होंगे उनको आवंटित किया जाएगा। निषाद समाज ने कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा को ज्ञापन सौंपकर मछली मार्केट कैंप 2 का नामकरण शहीद विश्राम मांझी के नाम करने की मांग की है। मछली मार्केट का नामकरण स्वर्गीय गफ्फार खान के नाम पर किए जाने पर समाज ने घोर आपत्ति जताई है। नगर पालिक निगम भिलाई की सामान्य सभा में बीते दिनों मछली मार्केट कैंप 2 का नामकरण स्वर्गीय गफ्फार खान के नाम से करने प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया गया था, जिस पर निषाद समाज संघ ने घोर आपत्ति करते हुए जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मछली मार्केट का नामकरण शहीद विक्रम मांझी के नाम पर किए जाने की मांग रखी है। साथ ही ज्ञापन में कहा गया है कि संघ के सभी सदस्य मल्लाह, निषाद, केवट तथा मांझी जाति के हैं। हमारा व्यवसाय व जातिगत पेशा मछली मारने व बेचने का है। हमारी जाति समाज का शहीद विक्रम मांझी बस्तर में नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुआ था। ज्ञापन की जानकारी समाज के पदाधिकारी छोटेलाल चौधरी, राजेश कुमार चौधरी ने दी। मामला ऐसे ये मामला पहले मच्छी मार्केट में अपने आवेदन लगाए थे, कलेक्टर जी के यहाँ, महापौर जी के यहाँ, नीरज पाल जी, महापौर जी थे, नीरज पाल जी थे, आयुक्त जी दिए थे। सभा में हमको पेपर पढ़ने आया था, MIC में पास किया था, इस मच्छी मार्केट नाम गफ्फार खान से नाम रखा जा रहा है। हमने इसके खिलाफ, इसके पक्ष में जाकर के हमने मच्छी मार अध्यक्ष होते हुए हमने ज्ञापन दिया सब जगह। देने के बाद हमारी मांगे की बात थी, हमारे जो सदस्य थे सीताराम मांझी जी, इनके सुपुत्र ने शहीद हुए हैं, उन्होंने जगदलपुर में विश्राम मांझी जी के नाम से मच्छी मार नाम रखा जाए, ये हमारी मांग थी। इस मांग को लेकर कल हम लोग भी समाज के स्तर से कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं, आयुक्त को दिए हैं अपन ज्ञापन। आप लोगों की क्या मांग है कि इस मच्छी मार्केट का नामकरण किस नाम से किया जाए? मछली मार्केट का नामकरण शहीद विश्राम मांझी जी के नाम से किया जाए। हमारा मूलभूत काम है मछली का व्यवसाय करना, निषाद, केवट, ढिमर, मलाह, ये हमारे काम ही है मछली व्यवसाय करना, और मांझी जी के नाम से विश्राम मांझी, शहीद विश्राम मांझी के नाम से मछली मार्केट नामकरण किया जाए। मैं मार्केट के सचिव के नाते बड़े भाई हैं जो कहा, मैं उसको सहमत हूँ। और ये मार्केट जो है निषाद समाज का है, इसमें निषाद लोग जुड़े हुए हैं और ये निषाद समाज के हित में होना चाहिए, और हम कहते हैं कि मांझी जी के नाम पर मार्केट का नाम रखा जाए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार चौधरी। बहरहाल संघ के पदाधिकारियों ने मछली मार्केट का स्वर्गीय गफ्फार खान के नाम से किए गए नामकरण को निरस्त करने की मांग की है। साथ ही शहीद विश्राम मांझी के नाम से मछली मार्केट का नामकरण किए जाने की मांग की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। महापौर नीरज पाल ने 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की है। अब ये महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के रूप में कार्य करेगी। एक प्रकार से 9 वर्ष में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को महापौर ने नियुक्ति पत्र देकर बहुत बड़ा तोहफा दिया है। नियुक्ति पत्र पाकर महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान साफ नजर आ रही थी। महापौर ने इन्हें बधाई देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक वार्ड मोहल्ले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका शासकीय योजनाओं आदि को लेकर अहम भूमिका अदा करती है। देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका, इसकी नियुक्ति नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में हुई है और इनको नियुक्ति पत्र जो है माननीय महापौर जी ने प्रदान किया है। ऐसे 4 जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, जिसमें 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 2 आंगनबाड़ी सहायिका थी, उनको नियुक्ति पत्र माननीय महापौर जी ने प्रदान किया है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने शुभकामनाएँ प्रेषित की है। और इसी के साथ ही जो है नियुक्ति आदेश माननीय आयुक्त महोदय ने
जारी किया था और इसी तारतम्य में इनको जो ज्वाइनिंग है वो करनी है। 15 दिवस के भीतर में इनको अपनी उपस्थिति परियोजना विभाग में आंगनबाड़ी के जो कार्यालय होते हैं वहाँ पे दी जानी है ताकि इनको उपस्थिति हो सके और जो इनका मानदेय होता है इनके वर्किंग में उपस्थिति के अनुसार से वो जारी किया जा सके। इसके लिए जो विस्तृत गाइडलाइन है नियुक्ति आदेश के साथ में वो भी उनको दिया गया है। इस प्रकार से जो है नगर निगम भिलाई क्षेत्र में अभी 4 जो दो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 2 आंगनबाड़ी सहायिका जो है वो नियुक्ति आदेश लेकर के अपने कार्य पर उपस्थित होने हेतु गई है। उल्लेखनीय है कि निगमायुक्त रोहित व्यास ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। अब यह महिलाएं निर्धारित वार्ड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की जिम्मेदारियां निभाएंगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई की 6 अधिकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्त होने के उपरांत उन्हें निगम प्रशासन ने विदाई समारोह का आयोजन कर सम्मान विदाई दी। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निगम भिलाई के 6 सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारियों को शॉल श्रीफल प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया और इन कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य तथा दीर्घायु जीवन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। निगम से दिसंबर माह में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों में जीवन लाल वर्मा जो निगम सचिव का कार्य लंबे समय से देख रहे थे, इनके साथ पंप सहायक वेदराम जोशी, अशोक कुमार सिंह हेल्पर, भूकन लाल साहू जोन क्रमांक 1 नेहरू नगर में फील्ड वर्कर के रूप में कार्यरत थे, राम कुमार सफाई कामगार तथा नीतिया बाग सफाई कामगार जो कि उद्यान विभाग में पदस्थ रहीं, इन्हें 62 वर्ष की अर्धवार्षिक आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति दी गई। देखिए निगम सचिव का कार्यभार संभाल रहे जीवन वर्मा जी और उसके साथ में जो 5 अन्य और अधिकारी कर्मचारी हैं जो अलग अलग विभाग में पदस्थ रहे हैं जैसे स्टेशनरी विभाग, उद्यान विभाग और नेहरू नगर जोन कार्यालय में अलग अलग डिपार्टमेंट में वो अपना जिम्मेदारी के साथ काम किए थे और 62 वर्ष की अर्धवार्षिकीय आयु जो पूर्ण करने के पश्चात में उन्हें सेवानिवृत्ति जो है वो दिसंबर माह में प्रदान कर दी गई थी। चूँकि दिसंबर के बाद 2 दिनों का अवकाश था, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को, तो 2 जनवरी को विदाई समारोह का आयोजन किया गया और सम्मान विदाई देने के लिए माननीय महापौर जी और कमिश्नर साहब स्वयं उपस्थित रहे और उन्होंने साल श्रीफल प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट करके सभी को उनके दीर्घायु जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी थे 6 कर्मचारी जो थे उनको विदाई सम्मान दी। इस दौरान में MIC मेंबर और जो पार्षदगण थे उसके अलावा अधिकारी कर्मचारी निगम के जो थे वो सभी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इन सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों के परिजन विदाई समारोह में सभागार में मौजूद रहे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में निगम के अधिकारी कर्मचारी तथा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहकर सभी को स्वस्थ एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। इंसान की बीमारियों का पता पैथोलॉजी लैब में जाँच कराने के उपरांत पता चलता है। कुछ बीमारियों की जांच की रिपोर्ट आने में महीनों लग जाती हैं, पर अब भिलाई वासियों को महीनों इंतजार करने की जरूरत नहीं। जी हां, छत्तीसगढ़ का पहला पैथोलॉजी लैब जो अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है, RCID रीजनल क्लिनिकल इन्फेक्शिया डिजीज लेबोरेटरी, यहां विभिन्न प्रकार की संक्रामक रोगों की जाँच की सुविधा बहुत ही अल्प समय में उपलब्ध हो जाती है। इस हाइजेनिक पैथोलॉजी लैब में हमारे यहाँ उपलब्ध जाँच की सुविधाएँ कल्चर एंड एंटीबायोटिक, फंगल डिटेक्शन एंड एंटी फंगल सेंसिटिविटी, मल की जांच एवं पैरासाइट की बारीकी से जांच की जाती है। स्टेमिंग के तहत ग्रेम AFB अलर्ट की जाती है। इन्फेक्शन सेरोलॉजी के साथ ही टॉर्च हेपेटाइटिस पैनल, रोटा वायरस की जांच, डेंगू मलेरिया थायराइड H1 और N1 SARS-CoV-2 की जाँच में सावधानी बरती जाती है। 300 से भी ज्यादा टेस्ट की सुविधा किफायती दरों पर अल्प समय में उपलब्ध है। अब अस्पतालों में भर्ती मरीज जिन्हें टिपिकल टेस्ट करवाने अनिवार्य हो उनके परिजनों को भटकने की आवश्यकता नहीं है और ना ही रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि RCID में ये सभी सुविधाएं किफायती दरों के साथ कम समय में उपलब्ध करा दी जाती हैं। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। RCID हमारा पता 2nd फ्लोर जैन मेडिकल एंड सर्जिकल ग्रुप से, नंदनी रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9009333320।
शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज, उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध, न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध, मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध, स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वास्थ्य भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, स्पेशल टेरेस प्लान फॉर कॉर्पोरेट, मैरिज एंड अदर फंक्शंस, ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल। स्वीट होम अवे फ्रॉम होम, पावर हाउस रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यातायात पुलिस ने एक सप्ताह में दूसरी बार गुम नाबालिग बच्चे को परिजनों तक सुरक्षित पहुंचाया। नाबालिग आर्यन गुप्ता सुपेला चौक पर खड़े होकर रो रहा था, जिस पर सहायक उपनिरीक्षक सेवाराम मंडावी ने बच्चे से उसके परिजनों के बारे में पूछताछ की, जिस पर बच्चे द्वारा अपना पता आदित्य नगर दुर्ग में बताया गया। इसके बाद सहायक उपनिरीक्षक हुकुम सिंह हाईवे पेट्रोलिंग 2 के द्वारा बच्चे को उनके परिजनों तक पहुंचाया। आपका लड़का क्या नाम है? आर्यन गुप्ता। ये आपका लड़का है? कौन सा स्कूल पढ़ता है? मैं चौथी। कौन से स्कूल में? ये सरकारी शिशु बालिका। कहाँ पर? ये भिलाई पावर हाउस में है ना। ये भटक गया तो वहाँ पे इनको आपको स्कूल पर कर रहा है ना। आप ही लड़का है ना? जी सर, जिसने फोन किया। शिव सैनिकों ने शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म पठान का विरोध करते हुए फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। स्थानीय कपड़ा मार्केट के पास कुम्हारी शिवसेना प्रमुख के नेतृत्व में शाहरुख खान के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया। शिवसेना प्रमुख व विधानसभा अध्यक्ष विक्की निषाद ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि अश्लील गाने के माध्यम से हमारी धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाई गई है, जो किसी भी कीमत पर अक्षम्य है। ये पुतला दहन उन बॉलीवुड के ठेकेदारों को एक समझाने का तरीका है। हमारे विरोध कर प्रदर्शन करने का तरीका है। लगातार हिंदुत्व का हलन, जैसे भगवा का अपमान, भगवा का ही नहीं अश्लीलता भी। हम सिर्फ भगवे का विरोध नहीं, हम अश्लीलता का भी विरोध करते हैं इस मूवी पे। हम चाहेंगे कि शाहरुख खान अपनी माँ अपनी बहन को ऐसे जो चित्रकारिता दिखाते हैं उन पे, आप किसी भी कलर का पहना रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब किसी व्यक्ति का
कोई जब धर्म को मानता है, भगवे का जब कोई सम्मान करता है, तो आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते। उसके बाद आप बोलते हो कि बेशरम रंग, भगवा कोई बेशरम रंग नहीं है। बेशरम तो ये शाहरुख और दीपिका है जो ऐसे अपने चित्रकारिता को दिखाते हैं और हिंदुत्व का अपमान करते हैं। देखो एक बात है सर, जलते हुए दीपक में भी भगवा है, आप उसको कब तक मिटाओगे? जलते हुए दीपक में भी भगवा, आप उसको कब तक मिटाओगे? अपनी हरकतें सुधार लो बॉलीवुड, वरना इस दुनिया से ही मिट जाओगे। हम हिंदुत्व कोई आंधी नहीं है, हिंदुत्व कोई आंधी नहीं कि कोई भी आया लुरा कर लेके चले जाए, हिंदुत्व कोई आंधी नहीं। और हम एक गाल को कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दे, ऐसा कोई हम लोग बड़े गांधी नहीं। तो हम लोग लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर विरोध हो रहा है। आज हम लोग अपने स्तर पर विरोध कर रहे हैं। अगर इस सीन को नहीं हटाया जाता, भगवे को नहीं हटाया जाता, और इस जो चित्र तारीख दिखाते हैं चित्रकारिता, उनको अगर नहीं हटाया जाता, तो हम लोग इसके लिए पुरजोर विरोध करेंगे। जो पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा इंडिया देखेगा, अरे बॉलीवुड वाले को सबक मिलेगा, इस बात सिखाएंगे। दुर्ग शहर के सबसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग इंदिरा मार्केट व स्टेशन रोड पर व्यापारियों की असहमति के बावजूद बनाया गया रोड पर डिवाइडर अब शहर के व्यापारियों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। ऑनलाइन मल्टी स्टोर व कॉरपोरेट जगत से प्रतियोगिता जैसी वैश्विक चुनौती के बाद डिवाइडर जैसी स्थानीय समस्या ने अब इंदिरा मार्केट और स्टेशन रोड के व्यापार को अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया है। डिवाइडर की वजह से वाहन चलाने में होने वाली परेशानी की वजह से दोपहिया व चौपहिया वाहनों से आने वाले ग्राहक अब दूसरे बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने ग्रैंड एशियन न्यूज से खास बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के अंश। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्ग के सबसे व्यस्तम मार्केट इंदिरा मार्केट में। जी हाँ, इन दिनों लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बना डिवाइडर जो कि विवादों का कारण बना हुआ है। व्यापारी वर्ग इसे अपना व्यवसाय क्षति होना बताते हैं। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर सर ने भी इसका दौरा किया था और इसको मापदंड के हिसाब से इसके मापदंडों को इसको नापते हुए इसको इसके परिप्रेक्ष्य में छोटा करने की इसकी अपील भी की थी और शायद निर्देश भी दिया था, ऐसा बात सामने में आई थी। लेकिन चेंबर के व्यापारियों में इसको लेकर खासा उत्साह है। वो चाहते हैं कि इस डिवाइडर के होने से व्यापार काफ़ी प्रभावित हो रहा है। इसके ना होने की मांग चेंबर के पदाधिकारियों ने की है। इस वक्त हम इंदिरा मार्केट में चेंबर के व्यापारियों के साथ मौजूद हैं। पदाधिकारियों से जानेंगे कि डिवाइडर को लेकर उनमें जो विरोध है वो किस तरह का है और क्या मांग वो करते हैं। सर, सबसे पहले आप बताएंगे कि जो इंदिरा मार्केट में जो डिवाइडर है इसको आप लोग टोटल हटाने की बात कर रहे हैं, जबकि कलेक्टर सर ने इसके मापदंडों को आधा करने की बात कही थी। एक्चुअल में 2 दिन पहले कलेक्टर महोदय ने इंस्पेक्शन किया है जगह का, और हमारे इंदिरा मार्केट के व्यापारी संघ द्वारा इसका विरोध चालू किया गया, क्योंकि सबसे विकृत स्थिति है आज के डेट में इंदिरा मार्केट में, जिसके कारण व्यापार बढ़ नहीं रहा है। ना बढ़ना और अवरुद्ध होने का कारण, सबसे बड़ा कारण है, लोग पलायन तक कर रहे हैं आज के डेट में दुर्ग इंदिरा मार्केट से। अपनी शॉपों को दूसरे जगह भिलाई ले जाना ज़्यादा उचित समझते हैं, क्योंकि कोई भी परिवार यहाँ आना पसंद नहीं करता। 4-व्हीलर आने की व्यवस्था है नहीं, हर 2 मिनट में रोड जाम हो जाता है। जब भी व्यापारी वर्ग किसी चीज़ों के लिए मांग करने जाता है शासन के पास, तो ऐसी स्थिति प्रकट कर देते हैं कि वो उनके ही दोहरा चालू हो जाता है। क्यों? सबसे पहले आपको कॉरिडोर है तो निगम में सिर्फ इंदिरा मार्केट में कुछ ही एरिया में है, और कॉरिडोर को खाली करने के लिए सबसे पहले उन्हीं को भी बोल दिया जाता है। तो आज तक एक चीज़ नहीं समझ आ रही है, हम व्यापारी होके हमारे से ही दुर्ग का व्यापार पूरा चलता है, हमारे कारण दुर्ग में इंदिरा मार्केट में व्यापारी हमारे आते हैं, और जो हमारे बोलते हैं खरीदार हैं जिनको सुविधा नहीं मिलेगी गवर्नमेंट से, तो हमारे को क्या फ़ायदा है। हमारा ये कहना है कि पिछले 5 साल से बना हुआ जो डिवाइडर है, जिसके कारण अवरोध बहुत बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसकी हमारे इंदिरा मार्केट के अध्यक्ष की भी ये कहना है और हमारे व्यापारी वर्ग का भी पूरा यही कहना है कि हम इस डिवाइडर को टोटली हटाना चाह रहे हैं। कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है कि 50% इसको कर दिया जाएगा, मगर हमारी ये गुजारिश है, हम प्रशासनिक हर अधिकारियों से मिलेंगे और सबसे गुजारिश करेंगे कि भैया ये 50% की जगह आप पूरा पूरा हटा दीजिए, और जितने भी पॉइंट्स आते हैं आपके रोड में आप उसको सकरा कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे कारण कहीं व्यवधान आ रहा है, तो आप उससे बेटर किया जा सकता है। हम शासन से पुरजोर यही कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी स्थिति हमारे तरफ से पैदा मत करवाए, क्योंकि हम इस बार शांत बैठेंगे नहीं और पुरजोर विरोध करेंगे अगर नहीं करा जाएगा तो। अभी तक शासन से यही आश्वासन मिला है कि हम अपना व्यवस्था करवा देते हैं करके। ये आशीष निमजे सर थे, उपाध्यक्ष चेंबर जिला बॉडी में, और भी व्यापारी वर्ग यहाँ पर मौजूद है। सर, आप बताएंगे कि जैसे कलेक्टर सर ने इसका दौरा किया था,
मापदंडों में इसको 50% करने की मांग की थी, मतलब मांग नहीं, आप उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की थी। तो आपको क्या लगता है अगर इसको 50% किया जाए तो कैसा व्यापार अवरुद्ध होगा? व्यापारियों की तरफ से 50% की कोई भी डिमांड नहीं रखी गई है। हर व्यापारी यही चाह रहा है कि इस डिवाइडर को नेस्तो नाबूद किया जाए, क्योंकि यह यहाँ के व्यापार के छाती में एक कैंसर की तरह बन चुका है। 5 वर्षों में 2 वर्ष हमारे कोरोना ने ख़राब किए और बाकी के 3 वर्ष हम डाउन फ्लो में जाते जा रहे हैं। यहाँ से काफ़ी दुकानें बंद हो चुकी है या पलायन हो चुके हैं। यहाँ के काफ़ी व्यापारी दूसरी जगहों में अपनी दुकान खोलने में मजबूर हो चुके हैं। यदि प्रशासन चाहता है कि इंदिरा मार्केट हमारे शहर का व्यस्ततम मार्केट और शानदार मार्केट बना रहे, तो इस डिवाइडर का यहाँ से हटना बहुत ही ज़रूरी है। आप ऐसा मानते हैं कि इस डिवाइडर के होने से व्यापार काफ़ी प्रभावित हो रहा है? बिल्कुल, दिन ब दिन यहाँ पे व्यापार गिरता जा रहा है। यहाँ पे बाहर के लोग आना बंद कर चुके हैं और हमारा सब्स्टिट्यूट खोजा जा रहा है। तो यदि शासन चाहता है कि इंदिरा मार्केट का सब्स्टिट्यूट कहीं हो जाए तो वह इस डिवाइडर को ना हटाए, लेकिन अगर वो चाहता है कि यहाँ का व्यापारी खुशहाल होकर अपना व्यापार करे तो इस डिवाइडर को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। ये चैम्बर के पदाधिकारी थे, इन्होंने इस डिवाइडर को कैंसर तक बता दिया है। और भी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि सर इस डिवाइडर के होने से व्यापार किस तरह का प्रभावित हो रहा है। मैं दुर्ग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन हूँ, पवन बड़जात्या। हम व्यापारियों ने ठाना है कि डिवाइडर को हटाना है। इसी नारे के साथ हम पूरे इंदिरा मार्केट शिवम मॉल तक के जो भी व्यापारी हैं उन लोगों का दुख सुख सुनकर मैं चैम्बर की तरफ से, चैम्बर एक प्रदेश का बहुत बड़ी संस्था है और कैट जो राष्ट्रीय लेवल पे एक संस्था है जिसमें 17 करोड़ व्यापारी इसमें हैं, उन सब के मैं पदाधिकारी भी हूँ प्रदेश में। और मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये पर्सनल निर्णय है कि इसको डिवाइडर को हटाना है। और सभी व्यापारी चाहते हैं कि डिवाइडर हटेगा जब ही हमारा व्यापार बचेगा। तो हम इसको पूर्व जोर से चैम्बर और कैट के माध्यम से इनका सहयोग करने में हम सही हैं। चेयरमैन सर ने बताया कि इस डिवाइडर के हटने से ही व्यापार फलेगा फूलेगा, और नहीं हटा तो इन्होंने अपनी मंशा ही बताई कि वो किस तरह का इसमें आंदोलन करने बाध्य होंगे। और एक सर मौजूद है, सर जानना चाहेंगे पाँच वर्ष पहले इसका जब यहाँ पर बनाया गया तब किस तरह का विरोध नहीं जताया गया था? जी, मैं इंदिरा मार्केट व्यापारी संघ का अध्यक्ष अनिल बल्लेवार, सबसे पहला विरोध करने वाला मैं ही व्यक्ति था और हम लोगों ने उस समय भी बहुत विरोध किया, लेकिन प्रशासन का दबाव जो है व्यापारियों पर हमेशा रहता है। अब व्यापारी जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है, एकदम अत्यंत परेशान हो जाता है, तभी जो है वो प्रशासन के खिलाफ़ या निगम के खिलाफ या व्यवस्थाओं के खिलाफ अपनी दुकान छोड़कर आता है। तो ये तो एकदम तय बात है कि हम यदि सड़क पर उतर रहे हैं तो परेशानी जो है आप उसका भी अंदाज आप लगा सकती हैं कि आपने भी, आप तो जन्म, आप भी प्रेस रिपोर्टर हैं, ऐसा बहुत कम अवसर आता है कि व्यापारी सड़क पर उतरे, तो ये वैसा ही अवसर है। ये 5 सालों में हम लोगों ने ये बात को बिल्कुल अनुभव कर लिया। 5 साल का समय भी पर्याप्त है कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है। क्या लगता है सर, 5 वर्ष में अभी तक मांगे जिस तरह डिवाइडर को लेकर आप लोगों की नज़रअंदाज की गई, अभी मांग पूरी की जाएगी? बिल्कुल, एक तो हमारे किसी ने भी डिवाइडर की मांग नहीं की थी यहाँ पर, क्योंकि सड़क की स्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ पर डिवाइडर लगाया जाए, मतलब उतनी चौड़ाई भी नहीं है और आगे जाके सकरी और हो जाती। तो डिवाइडर जिस के लिए समाधान बनकर आया था, जिनके दिमाग में था कि ये समाधान है, तो उसने उस ये मतलब और समाधान को और ज़्यादा समस्या के रूप में परिणित कर दिया। और अभी इतनी गंभीर समस्या हो गई कि यहाँ के व्यापारी, जैसे कहा भी है कि वाकई अभी तो ग्राहक ने पलायन किया है यहाँ से, बहुत सारे ग्राहक जो है हमारे दूसरे बाज़ारों में शिफ्ट हो गए, यहाँ नहीं आना पसंद करते हो। अब धीरे धीरे जी स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही कि अब यहाँ से व्यापारी भी पलायन करने की स्थिति में आ रहे हैं, तो ये बड़ा चिंता का विषय। आशीष सर से जानना चाहूँगी, जैसा कि आज आप लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है, अपना विरोध जताया है, उसका कितना असर पड़ेगा इस डिवाइडर को हटाने में, निर्णय लेने में? निर्णय लेने में थोड़ा सा बाकलीवाल जी ने भी बोला है कि मैं कलेक्टर साहब से भी अपनी तरफ से निवेदन कर देता हूँ, उनने एक रुझान भी दिया है कि आप लोक कर्म ताम्रध्वज साहू जी से मिल लीजिए, PWD अधिकारी है जो, तो बोले उनसे भी एक सहयोग मांग लीजिए आप अपनी तरफ से। हम तो अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे, आप भी अपने तरफ से इतना काम कर लीजिए बोले। इन 5 वर्षों में PWD मंत्री से आप लोगों ने कभी इस मांग को लेकर प्रमुखता से आवाज़ नहीं उठाई? पिछले बार उठाई थी, मगर उधर पहले किया गया था, मगर उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाया। हकीकत यही है कि पिछले बार भी उठाया गया था 2.5 साल पहले, मगर उसमें कोई एक्शन नहीं किया गया। लगता है कि आज जो ज्ञापन आप लोगों ने दिया है, शासन प्रशासन इस पर अपनी नज़रें इनायत करेगा?
बिल्कुल करेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि ही समझ रहे हैं कि व्यापार अगर रहेगा, व्यापारियों का अगर हित है, तो इसमें उन्होंने भरपूर सहयोग करने के आश्वासन दिया है। सर, डिवाइडर एक ऐसा मुद्दा है इस परिसर को लेकर के जो काफ़ी गहराया हुआ है, तो डिवाइडर हटाने की मांग व्यापारी वर्ग किन बातों को देखकर कर रहा है? दो वजह है इसकी, दो प्रमुख वजह है। देखिए, ये बाज़ार जो है वो फुटपाथ वाला बाज़ार है, जिसमें बहुत सारे लोग पैदल चलते हैं। अगर कोई उस दुकान से इस दुकान आना चाहेगा तो आपने भी देखा कि डिवाइडर इतना ऊंचा है, इतना चौड़ा है और बीच में कहीं से कट नहीं दिया हुआ है। वो एक तो उस तरह से लोग इस पार से उस पार सहजता से नहीं आ सकते। दूसरा जो है, यहाँ पर जो बाइक और जो फोर व्हीलर जो गाड़ियाँ आती हैं उस पर ग्राहक वर्ग आता है। तो आप भी यदि अगर आप बाइक से आए होंगे या कार से आए होंगे तो बिल्कुल आप एक बार चला कर जाइए स्टेशन तक, आपको समझ में आ जाएगा कि रोकने की कहीं पर भी, यानी उतरने तक की जगह नहीं है ग्राहक के लिए, उतरने तक की जगह नहीं। और कोई भी यदि आता है तो कोशिश हमारे यहाँ यही रहती है कि भाई दुकान के सामने 5 मिनट रुक जाए, तो वो स्थिति भी यहाँ पर नहीं बनती। तो और एक बार आने के बाद ये डिवाइडर इतना सकरा है, मतलब जगह ड्राइविंग के लिए इतनी कम मिलती है कि आदमी का इतना डर रहता है, ड्राइवर को एकदम डर लगे रहता है कि भाई जरा सा भी मैं असावधान हुआ, किसी दुकान की तरफ मैंने देखा तो मैं कहीं ना कहीं किसी से मैं भिड़ जाऊँगा। और ऐसा हुआ भी है, एक्सीडेंट से बचने के लिए डिवाइडर बनाया गया और नित्य यहाँ पर लगभग हर दूसरे दिन जो है कोई बाइक वाला टकरा रहा है, कोई जो है कार वाला टकरा रहा है। तो नित्य हम यहाँ पर देख रहे हैं एक्सीडेंट की भी संख्या भी जो जिस वजह से बनाया गया था, तो वह भी यातायात में भी बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। सर, बताएंगे आप डिवाइडर को लेकर आपकी क्या राय है इसको हटाने, और जो प्रशासन का एक निर्णय है कि इसको 50% किया जाए, उस पर क्या कहेंगे? सभी ने, व्यापारियों ने अपना अपना निर्णय दिया और सही दिया है। मैं एक ही लाइन में कहना चाहूँगा, डिवाइडर हटाओ, व्यापार बचाओ। तो ये चेंबर के व्यापारी थे, इनका एक ही नारा है, डिवाइडर हटाओ, व्यापार बचाओ। कारण ये है कि एक सकरी रोड पे इतना चौड़ा डिवाइडर होने से व्यापार का ही प्रभावित हो रहा है। उस पार से इस पार आने वाले और इस पार से उस पार जाने वाले खासे परेशान जहाँ हो रहे हैं, वैसे फोर व्हीलर और टू व्हीलर के लिए पार्किंग के लिए कोई जगह यहाँ व्यवस्थित नहीं है। देखना होगा शासन प्रशासन इन व्यापारियों की मांगों को किस तरह सुनता है और इसका पहल किस तरह निकालता है और इसमें अमली जामा किस तरह पहनाता है। इसी के साथ ही आप सुनेंगे इजाजत, आप सब बने रहिए ग्रैंड एसी न्यूज के साथ। नमस्कार।